नमस्कार। 4 जुलाई साल 2010, यही वो तारीख थी जब टीम इंडिया को दो दो वर्ल्ड कप जिता चुके महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी धोनी शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी को 11 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम पर रूफा आसमानी के साथ बातचीत के दौरान कई ऐसे खुलासे किए जिसे देखकर और सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस दौरान साक्षी ने बेडरूम की बात का भी जिक्र किया और बताया कि आखिर धोनी को किस चीज की लत लग गई है। दरअसल धोनी तो सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव नहीं रहते, लेकिन उनकी पत्नी साक्षी धोनी इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती है और धोनी से जुड़ी कई बातें और उनकी एक्टिविटी के बारे में लोगों को बताती रहती है। 4 जुलाई को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब धोनी और साक्षी दोनों अपनी शादी की सालगिरह का जश्न मना रहे थे। इस यादगार मौके पर साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम चैट के दौरान बताया, आप जानते हैं कि माही का दिमाग हमेशा चलता रहता है, वो आराम नहीं करते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब वो कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी या कोई और वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो इससे उन्हें अपना ध्यान कहीं और लगाने में मदद मिलती है, जो कि अच्छी बात है। आजकल माही नींद में भी सिर्फ पबजी की ही बात करते हैं। साक्षी ने आगे बताया, पबजी अब मेरे बेडरूम तक घुस गया है, कई बार मुझे लगता है कि वो मुझसे बात कर रही है, लेकिन वो तो हेडफोन लगाकर गेम खेलने में लगे रहते हैं। आजकल तो वो रात में सोते हुए भी नींद में केवल पबजी के बारे में ही बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पबजी खेलने वाला शख्स ऑनलाइन बातें करता रहता है, जिसे देखकर सामने वाला चौंक जाता है कि वो किसके साथ बात कर रहा है या फिर मन ही मन क्यों बड़बड़ा रहा है। कुछ ऐसा ही साक्षी धोनी के साथ भी होता है। एक तरफ धोनी बेडरूम में पबजी खेलते वक्त बात करते रहते हैं, तो वहीं साक्षी धोनी को लगता है कि धोनी उनसे बात कर रही है। धोनी को पबजी का ऐसा नशा है कि वो तो कभी कभी रात में सोते वक्त भी पबजी के बारे में बात करते रहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर साक्षी धोनी के इंस्टाग्राम चैट की वीडियो शेयर की है, जिसे आप भी सुन सकते हैं और अपने फेवरेट क्रिकेटर धोनी के बारे में एक से बढ़कर एक बात जान सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी फिर से एक्शन में दिख सकते हैं जब IPL 14 का दूसरा चरण UAE में शुरू होगा। माना जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में IPL के बचे हुए मैच खेले जा सकते हैं।